शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है, जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें। क्या ये लोग नहीं जानते कि उठाए भी जाएंगे, यानी एक बड़े सख्त दिन में, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सुन रखो कि बदकारों के आमाल सिज्जीन में हैं, और तुम क्या जानते हो कि सिज्जीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है, यानी जो इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं, और उसको झुटलाता वही है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है। जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं, तो कहता है ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं। देखो ये जो आमाले बद करते हैं उनका उनके दिलों पर जंग बैठ गया है। बेशक ये लोग उस रोज अपने परवरदिगार के दीदार से ओट में होंगे, फिर दोजख में जा दाखिल होंगे। फिर उनसे कहा जाएगा ये वही चीज है जिसको तुम झुटलाते थे। ये भी सुन रखो कि नेकुकारों के आमाल इल्लीन में हैं, और तुमको क्या मालूम कि इल्लीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ, जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं। बेशक नेक लोग चैन में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए नजारे करेंगे। तुम उनके चेहरों ही से राहत की ताजगी मालूम कर लोगे। उनको शराब खालिस सरब मोहर पिलाई जाएगी, जिसकी मोहर मुश्क की होगी। तो नेमतों के शायकीन को चाहिए कि उसी से रगबत करें, और उसमें तस्नीम के पानी की आमिजिश होगी। वो एक चश्मा है जिसमें से खुदा के मुकर्रब पियेंगे। जो गुनाहगार यानी कुफार हैं, वो दुनिया में मोमिनों से हंसी किया करते थे, और जब उनके पास से गुजरते तो हिकारत से इशारे करते, और जब अपने घर को लौटते तो इतराते हुए लौटते, और जब उन मोमिनों को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं, हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो आज मोमिन काफिरों से हंसी करेंगे, और तख्तों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे। तो काफिरों को उनके अमलों का पूरा पूरा बदला मिल गया।